أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. رمضان مبارك کے مبارک اور رحمتوں سے بھرپور ایام و لیالی دن و رات کے آخری مراحل میں ہم داخل ہو چکے ہیں. ماہ رمضان کا آخری دن ہے، ہر وہ دن جو اس ہفتے آ رہا ہے. جس طرح آج جمعت المبارکہ مبارک جمعہ ہے، تو گویا رمضان مبارک کا آخری جمعہ، پھر بعد آنے والا دن ہفتہ ہو تو پھر رمضان کا آخری ہفتہ. اس مناسبت سے آخری ہفتے کے آنے والا ہر دن آخری دن ہوتا ہے، تو شنبہ ہو سے شنبہ ہو، اسی طرح جمعہ آخری جمعہ جسے ہم اور آپ عمومی طور پر جمعۃ الوداع یعنی وداعی جمعہ اور آخری جمعہ کے طور پر ہم اس کو اپنے درمیان میں ایک دوسرے کے لیے تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے. یوں فضیلت کے اعتبار سے تو رمضان مبارک کا ہر جمعہ بڑا ہی بابرکت اور بڑی ہی عظمتوں والا ہے. جمعۃ الوداع کی خصوصیات کچھ اور مزید نہیں، بلکہ محض رمضان مبارک کا آخری جمعہ اور وداعی جمعہ ہے. اس حیثیت سے ایک رمضان مبارک کے اس متبرک مہینے کے آخری جمعے کی مناسبت سے کہ یہی جمعہ اس ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، کہ اس کے بعد آنے والا جو جمعہ ہے وہ ہمیں رمضان کے مبارک مہینے کا تو نہیں ملے گا، بلکہ رمضان کے بعد آنے والا مہینہ ماہ شوال، شوال کا جمعہ ملے گا، رمضان کا جمعہ نہیں ملے گا. تو یہ جمعہ رمضان کا آخری جمعہ وداعی جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے. بس اسی نسبت سے ایک مومن اور مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے راضی کر لینے کی کوشش اور سعی میں رہتا ہے، اس کے لیے ایک غم کا باعث بن جاتا ہے، ایک حزن و ملال کا باعث بن جاتا ہے کہ وداعی جمعہ ہے رمضان کا، کہ رمضان ابھی اختتام پذیر ہے، ختم ہونے والا ہے،
और इख्तिताम को पहुंचने वाला है। रमजान गुजर जाएगा तो अपने साथ रमजान में अल्लाह तबारक व तआला की जो खुसूसी इनायात, रहमतें, बरकतें, फज़्ल व इनाम जो कुछ होता है कि रमजान अपने साथ में वो खुसूसी इनाम व इकराम को लेकर चला जाएगा। फिर रमजान की जो बरकतें होंगी, नेकियों के अजर व सवाब को बढ़ा दिए जाने के हवाले से हो कि रमजान की बरकत जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाने और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाने के हवाले से हो, या रमजान की बरकत और खुसूसियात शयातीन को, शैतानों को कैद में डाल दिए जाने के हवाले से हो, या फिर रमजान मुबारक के महीने में शब बद्र जैसी अजीम शान शब को और उस रात को रख दिया गया है कि रमजान के बरकात की बहुत सारी सूरतें और वजूहात हैं और असबाब हैं कि रमजान कितना अजमतों और बरकतों वाला महीना है। जो भी हो, रमजान गुजरेगा तो रमजान के साथ में वो अजमतें और बरकतें वाली सातें और लम्हात गुजर जाएंगे। ये ख्याल एक मोमिन के लिए हुज़्न व मलाल का वाइज बनता है, गम का वाइज बनता है। जिस तरह से एक इंतहाई महबूब तरीन और नहायत ही मुअक्कर और नहायत ही मुअज़्ज़ज़ नहायत ही महबूब तरीन कोई मेहमान आए और न सिर्फ आए बल्कि अपनी बेशुमार बख्शिशों और बहुत एजाज़ और इकराम और बड़े इनाम और बड़े बड़े तहायफ से नवाजता रहे, जब तक भी रहे ऐसा महबूब तरीन, मुशफिक, मेहरबान और मुहसिन जब जुदा होता है तो फिर उसकी जुदाई का अफसोस, उसकी जुदाई का सदमा और गम एक इंसान को जरूर होता है। रमजान मुबारक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजा गया ये भी एक मेहमान है। मेहमान ऐसे एतबार से कि कुछ दिन के लिए वो आपके पास आता है, गरचे कि आप खुद भी एक मेहमान हैं, मुस्तकिम रहने वाला जो होता है तो उसका तो मुस्तकिम ठिकाना होता है, लेकिन कुछ दिन के लिए आने वाला मेहमान ही कहलाता है। यूं तो आप और हम खुद भी मेहमान ही हैं और कुछ दिन के लिए इस दुनिया में आए हैं, लेकिन इस बीच हमारे क़याम के दौरान खुद हमारे अपने पास में और कुछ मुख्तसर सी मुद्दत के लिए कोई आता है और कोई शॉर्ट पीरियड के लिए कोई आता है हमारे अपने पास में, तो फिर वो हमारा मेहमान हुआ। हम मेहमान हैं इस दुनिया में, कुछ दिन के लिए आए हैं, फिर दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। दुनिया की ये आबादी, ये इमारतें, ये सब्ज़ार, ये सूरज और चांद ये तो बाकी रहेंगे और हम रुखसत हो जाएंगे। तो ये मेहमान चला गए। रमजान मुबारक हमारी अपनी जिंदगी में मुख्तसर सी मुद्दत के लिए आने वाला ये मेहमान है,
یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان ہے, بڑی عظمتوں والا, بڑی برکتوں والا ہے, بڑی عظمت و شان والا ہے اور بڑا مشفق و مہربان. کہ یہ اللہ کے بندوں کو بے شمار بھلائیوں سے, خیر سے اور رحمتوں سے اور اللہ کے فضل سے مالا مال کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کے پاس آتا ہے اور پھر جدا ہوتا ہے. تو پھر اللہ کے بندے کے لیے اس کے آنے کے موقع پر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے, اور پھر اس کے جانے کے موقع پر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. یقینی طور پر اس مقدس مہینے کے اتنے برکتوں اور عظمتوں کی بنا پر اور اس کی شفقتوں اور مہربانیوں کی بنا پر اس کے آنے پر مسرت اور خوشی ہوتی ہے, اور پھر اس کی جدائی پر, اس کے جانے پر غم اور حزن و ملال ہوتا ہے. ایک ایمان والے کی جو کیفیت ہوتی ہے, یہ کیفیت بھی ایک ایمان والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے اعزاز و اکرام کا باعث بن جاتی ہے. ہمارے آقا سید عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کوئی بندہ مومن رمضان کی آمد پر خوش ہوتا ہے, رمضان کی آمد پر خوشی کس معنی میں, کس اعتبار سے؟ کوئی کاروبار کرنے والا ابھی تو خوب کاروبار چلے گا, اس حیثیت سے خوش ہونے کا معاملہ نہیں ہے, تو پھر یہ مادیت ادا ہے, پھر اس کی نیت کے مطابق اس کو وہی کچھ اس کی جھولی میں پتھر پڑیں گے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار اور بے پناہ رحمتیں اس ماہ مبارک میں, رمضان کے مہینے میں مجھ کو ملے گی. اس ماہ مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین حصوں میں تقسیم فرمایا, رحمت, مغفرت اور جہنم سے آزادی. یقیناً اس سے مجھ کو حصہ ملے گا رمضان کے آنے پر خوش ہونے کی مناسبتیں جو ہیں, کہ ایک مومن بندہ جو خوش ہوتا ہے, رمضان کا مہینہ آیا کہ میں نیکی کروں گا, اگر نفل ہوگی نیکی تو فرض کا ثواب ملے گا, اور فرض ہوگی نیکی تو 70 فرائض کا ثواب ملے گا. اس مناسبت سے خوشی ہے, رمضان آیا, ایک مومن بندہ رمضان کی آمد پر خوش ہوتا ہے کہ برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ آیا. اور پھر اسی طرح رمضان کی رخصتی اور رمضان کی جدائی اور رمضان کی وداعی پر وہ غمزدہ ہوتا ہے, افسردہ ہوتا ہے اور غمگین ہوتا ہے. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں اور اپنی مغفرت سے سرفراز فرما دیتا ہے. رمضان کی آمد پر خوش ہو, رمضان کی رخصتی, وداعی اور جدائی پر غمزدہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا. ایمان کی علامتوں میں سے ہے یہ بات ہے. حضرت گرامی, یقینی طور پر رمضان کے آنے پر کچھ مزید عبادتوں کی ظاہراً مشقت بڑھ جاتی, عبادت مزید عبادتوں کا اعزاز حاصل ہوتا ہے. اب ہماری اپنی بشری اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے اور ہماری اپنی مادیت زدہ طبیعتوں کے اعتبار سے روزہ دن بھر کا بھوکے پیاسے رہنے کی جو عبادت ہے, اللہ کے لیے بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے, ایک مشقت کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, بڑی مشقت والی عبادت, جن جسمانی اعتبار سے بندے کے لیے بڑی مشقت اور گراں اس کے اوپر ہوتی ہے, مشقت والی ہوتی ہے.
लेकिन इबादत बंदे को तौफीक इबादत हासिल हो तो ये बंदे के लिए एजाज, तो मजीद इबादतों का एजाज बंदे को हासिल होता है। रोजाना जहां पर नमाज पर जगाना का बंदा एहतमाम करता है, 5 नमाजों का एहतमाम करता है, मजीद सुन्नत की अदायगी के हवाले से नमाज तरावीह का मजीद 20 रकात एहतमाम उसके ऊपर है। दिन भर भूखा प्यासा रहने के रोजे की इबादत उसके ऊपर आ जाती है। रमजान के आने पर ये मजीद इबादतों का ये जिस्मानी एतबार से एक बोझ, इबादतों का एक बोझ उसके ऊपर मजीद बढ़ जाता है। इसको अपने जहन पे रखकर कि ये तो और मजीद मशक्कतें हमारे ऊपर आने वाली है। कोई भी बंदे मोमिन अल्लाह तबारक व तआला का जो एजाज व इकराम इन इबादतों की अदायगी पर बंदे को जो मिलता है उसकी बारगाह से अज्र व सवाब मिलता है, इसके मुकाबले में बंदा रोजे जैसी मशक्कत वाली इबादत को कोई मशक्कत वाली इबादत तसव्वुर नहीं करता। एक बंदा एक रोजा रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से महज एक रोजे के इनाम के तौर पर यह बताया गया कि बंदे मोमिन अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए रोजा रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके और जहन्नम के दरमियान जमीन और आसमान के दरमियान की मसाफत अल्लाह ताला कायम फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम को उससे और उसको जहन्नम से इतनी दूर फरमा देता है एक रोजे की बिना पर के बंदा अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए रोजा रखता है तो उसको जहन्नम से इतनी दूर कर दिया जाता है। बंदा अल्लाह के लिए रोजा रखता है तो अल्लाह ताला उसको अपने महबूब तरीन बंदों में शामिल फरमा देता है। रोजा जैसे इबादत के जरिए से बंदा अल्लाह ताला का इतना महबूब बन जाता है, इतना महबूब बन जाता है कि रब तबारक व तआला दीगर इबादतों की अदायगी पर अजर सवाब के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अजर सवाब देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को मामूर मुकर्रर फरमाया। फरिश्ते मुतय्यन हैं, सवाब की अदायगी के लिए भी फरिश्ते हैं, लेकिन हालांकि हज जैसी इबादत भी आप देख लीजिए, इतना तवील तरीन सफर बंदा कर कर जाता है, मेहनत और मशक्कत भी करता है, हज अदा करता है, तब भी हज की अदायगी पर भी ये खसूसियत और ये खसूसी इनायत बंदे को हासिल नहीं होती जो कि रोजे पर हासिल हो रही है। तबारक व तआला एक रोजे की जैसी इबादत ही की बिना पर और रोजा जैसी इबादत ही के मुकाबले में अल्लाह ताला ने फरमाया अस्सौमुली व अना अजजी, रोजा तो खास मेरे लिए है और इसका बदला कोई फरिश्ते के जरिए से नहीं बल्कि मैं खुद अपने दस्ते कर्म से बंदे को अदा करता हूं, मैं खुद अपने दस्ते कर्म से मैं खुद बंदे को अदा करूं। रोजा ऐसी अजीम इबादत है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला कल बरोज़ क़ियामत जब जन्नतियों को जन्नत में दाखिले का जब मौका रहेगा, कोई दरवाजा जन्नत का हाजियों के लिए मखसूस नहीं है, हज करने वाले इस दरवाजे से दाखिल हो, ये मखसूस तौर पर हज अदा करने वालों के लिए जन्नत का ये दरवाजा रख दिया गया, नहीं। नमाज अहम फराइज अहम तरीन फरीजा, नमाजियों के लिए भी मखसूस कोई जन्नत का कोई दरवाजा नहीं कि ये दरवाजा जन्नत का खास नमाजियों के लिए रख दिया गया है, नहीं। अगर कोई जन्नत का दरवाजा मखसूस किया गया है किसी इबादत की बिना पर तो रोजेदार के लिए रोजे जैसी इबादत पर,
एक दरवाजा जन्नत का एक महसूस होगा, उस दरवाजे से लाजमी तौर पर जब उसके लिए महसूस कर दिया गया तो कोई और इबादत करने वाला, कोई किसी और इबादतों का एहतमाम करने वाला उस दरवाजे से जाना चाहे तो फिर उसको रोका जाएगा, माजरत की जाएगी, जी माँ रुक जाइए, आप इधर से जा नहीं सकते। खुसूसी तौर पर मखसूस गेट्स के पास इशू होते हैं, गेट नंबर 3 का पास है, ये VIP पास है, आपकी VIP पास आपके पास होगा तो इस गेट से आप जाते हैं। गेट नंबर 1 VVIP है, उसका कार्ड और उसका पास होगा तो आप उससे दाखिल हो सकेंगे, वो अगर आपके पास नहीं कोई और दूसरा होगा तो फिर आपको वहां पर रोक दिया जाएगा, आप यहां से नहीं जा सकते, किसी और से जाइए। रोजगारों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रोजगार के एजाज और इकराम के लिए मौला तबारक व तआला ने जन्नत के एक दरवाजे को मखसूस फरमा दिया, बस उससे दाखिल होंगे जन्नत में तो वही दाखिल होंगे जो रोजेदार। अल्लाह अल्लाह की रिजा और खुशनुदी के लिए रोजों का एहतमाम करते होंगे, मौला तबारक व तआला उनके लिए जन्नत के एक दरवाजे को महसूस फरमा दिया। और हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरवाजे का नाम फरमाया कि बाबुर रियान है, रियान दरवाजे का नाम। अल्लाह अकबर, बाबुर रियान है, ये रियान तरोताजगी के लिए, रोजा रोजे में खुश्की होती है, प्यास लगती है, मुंह सूख जाता है, हलक सूख जाता है, ये खुश्की खुश्की रोजे में बंदे को होती है, भूख और प्यास की वजह से खुश्की पैदा होती है। अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए दुनिया में खुश्की को बर्दाश्त किए, अल्लाह तआला की रिजा और खुशनुदी के लिए तुमने खुश्की को बर्दाश्त किया है तो कल बरोज क़यामत तुम्हारे लिए तरोताजगी का ऐसा सामान होगा कि जन्नत का एक दरवाजा तुम्हारे लिए मखसूस भी कर दिया जाएगा और उस दरवाजे का नाम खुद रियान कर दिया गया। बाबू इससे दाखिल हो ये एहसास और इकराम, अल्लाह ताला की महबूबियत का वो मकाम बंदा पा लेता है, रोजा रखकर अल्लाह का ऐसा महबूब बन जाता है, ऐसा महबूब बन जाता है कि फिर किसी और इबादत के इंतजाम में शायद ही बंदे को ऐसा कुछ मामला उसके साथ क्या हो सकता है, वो जागता भी है, समझ में आती बात, बंदा जाग रहा है, कुछ तो कुछ जिक्र अज़कार कर रहा होगा, तस्बीह और तहलील कर रहा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा होगा, सुभानअल्लाह पढ़ रहा होगा, इस्तिग़फ़ार कर रहा होगा, कुछ भी जिक्र अज़कार कर रहा होगा, दुरूद पाक पढ़ रहा होगा। ये तो जागने में कुछ ना कुछ इबादतें चलती हैं जी, जिक्र बिल लिसान जुबान से जिक्र हो रहा है, एक होता है कि जिक्र बिल लिसान अगर जुबान से जिक्र ना कर सके तो बंदा दिल से जिक्र करता है, जिक्र बिल कल्ब कहते हैं इसको, ठीक बेदार है तो लेकिन जिक्र दिल से जिक्र जारी है, दिल मौला के जिक्र में लगा हुआ है। सूफिया इकराम शियूख पिराने तरीक सांस का जिक्र होता है, बंदा सांस लेता है तो उसकी इबादत का ये उस मश करवाया जाता है कि सांस ले रहा है तो सांस से भी बंदा अल्लाह, सांस खुद बोल रही है तो जब बंदा इसकी मश कर ले लेता है तो फिर कोई लम्हा उसका गफलत की नजर नहीं होता, वो सांस अंदर ले रहा है तो अल्लाह, जब सांस छोड़ रहा है तो हु, ये जिक्र चल रही है तो ये जुबान ना भी चले तो महज सांस जा रही है और सांस निकल रही है, अल्लाह रूह के जरिए से सांस का निकलना और सांस का अंदर जाना और निकलना बन जाता, खुद ब खुद एक मशक होती है, बंदा बेदार रहता है तो एक तवज्जो होती है कि जिक्र बिल्कुल भी करता है कि दिल से जिक्र जारी रहता है, लेकिन बंदा सो जाता है, सो जाता है तो फिर गफलत ऐसी तारी हो जाती है, ऐसी तारी हो जाती है कि फिर उसका दिल उसका दिमाग उसके अपने इख्तियार में नहीं रहता,
उसके अपने इख्तियार में नहीं रहता, जिक्र करना चाहे भी तो नहीं। अब दिल पर भी जो बेदारी की हालत में दिल से भी जिक्र जारी था, तवज्जो उनके अपने इरादे के जरिए से इरादा करना पड़ता है उसके लिए, इरादे के जरिए से अपना इरादे से वो दिल से जिक्र को जारी रखा हुआ होता है, लेकिन सोने के बाद नींद लग जाने के बाद में वो अपने इरादे पर भी अब कुदरत नहीं रखता। अब इसका इरादा उसके हाथ में, उसके कंट्रोल में नहीं है अभी। तो फिर अब दिल इधर उधर गफलत में फिर भटकता फिर सकता है और फिरता है। तो जो जिक्र और अज़कार का जो मामला था बेदारी की हालत में वो तो रहा, लेकिन रोजा जैसी इबादत का एहतमाम बंदा कर रहा है, बेदार हो तब भी इबादत में, सो भी जाए तब भी इबादत। रोजेदार जब सो भी जाता है तो उसकी नींद भी इबादत में लिखी जाती है, क्योंकि हालत रोजा है, रोजे की हालत में वो नींद इख्तियार किया हुआ है कि रोजे की हालत में रहने के बिना पर वो रोजे की इबादत का तसलसल जारी है, और इबादत गुजार और रोजेदार की हैसियत से मुसलसल उसको उसके नामे आमाल में सवाब लिखा दिया है, लिखा जाता रहता। रोजा इससे रब तबारक व तआला उसे इतना महबूब कि अल्लाह के लिए बंदा रोजा रखता। रब तबारक व तआला कितने नाज़ से फरमाता हदीस कुदसी के मुतबरिक अल्फाज, अस्सौम ली, रोजा तो खास मेरे लिए रखता है कि वो खाने पीने को, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को मेरी खातिर छोड़ देता है। अल्लाह तबारक व तआला कितना नाज़ फरमाता है, बंदा रोजे जैसी इबादत का एहतमाम करता है तो रब तबारक व तआला वो एजाज बंदे को अता फरमाता है कि बंदे के रोजे की इबादत का तज़किरा खुद यूं फरमाता है, मेरी खातिर वो खाने पीने अपनी ख्वाहिशात को छोड़ देता है, रोजा तो खास मेरे लिए रखता है। अल्लाह तबारक व तआला फिर उसको इतना ऐसा महबूब बना लेता कि रोजेदार की खुसूसियात और फजाइल के बाद में इरशादात मुस्तफा अला साहिबी सलात तस्लीम मिलते हैं। अहादीस शरीफा में आता है कि अल्लाह ताला का इतना महबूब बन जाता है कि फिर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर उस रोजेदार के मुंह की जो बू होती है, वला खलूफु फिस्साइबि अत्यब عند الله من ريح المسك, अल्लाहू अकबर, रोजेदार के जो मुंह की बू होती है रोजे की वजह से कोई किसी तरह की कोई परफ्यूम जैसी, खुशबू जैसी कोई बू नहीं महकती, बल्कि इंसान के तबाअन इंसान की तबीयत के एतबार से मैदा जब खाली हो जाता है खुलूफ मैदे की वजह से, मैदा खाली होने के बिना पर मुंह में बदबू पैदा होती है। इंसान रात में सोए वक्त में तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन नींद के बाद एक 5-6-7 घंटे जब सोकर उठता है तो क्या बात है कि सोकर उठने के बाद मुंह से बदबू आती है। भाई कहीं से कोई और चीज दाखिल नहीं हुई मुंह में कि जिसकी बिना पर मुंह से बदबू आ रही है। सोकर उठने के बाद एक बैड स्मेल पैदा हो जाती है, बदबू पैदा हो जाती है। ये दरअसल मैदा जो खाली हो जाता है 2 घंटे में हाजिमा अमूमी तौर पर हो जाता है कहते हैं, तो 2.5-3-4-5-6 घंटे जब सोने के बाद में मुकम्मल खाली हो गया मैदा, तो ये मैदा खाली होने के बिना पर मुंह में ये बू पैदा होती है। जिसको कोई भी दुनिया का आपका कोई अजीज से अजीज दोस्त भी होगा तो जरा दूर हटकर बात करेगा कि तभी भाई अगर हयात से बोल ना सके नहीं बदबू आ रही बोल सके, बात है नेचुरल है ना, भी बोल सके तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर गुफ्तगू करता, तो करीब जाएगा तो बदबू मारेगी होगी, मुंह से बदबू आती है। यही है इंसान की तबीयत ऐसी, तबाहन इंसान का मामला ये है कि जब रोजे की बिना पर रोजा अल्लाह के लिए जब रोजा रख लेता है, अल्लाह के लिए मैंने रोजे की नियत कर ली है, जब बंदा ये नियत कर लेता है अपने मौला की रिज़ा के लिए रोजा रख लेता है, अल्लाह के लिए रोजा रखने की बिना पर जब घंटों भूखा प्यासा रहता है तो यकीनन उसका मैदा भी खाली हो जाता है, और मैदा खाली होने
दुनिया वाले उसके अपने अजीज तरीन भी उसको नापसंद करें, नापसंद करते हैं, चाहे नापसंद करें, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको वो एहसास इकराम अता फरमाता है कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोजेदार के मुंह की जो बदबू होती है, जो बू आती है, जो बदबू होती है, वो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक मुश्क अंबर से ज्यादा बेहतर है। अल्लाह हू अकबर, उस दिन मुश्क अंबर से ज्यादा पाकीज़ा अत्यब है, तय्यब पाकीज़ा चीज है। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, कुरान पाक, उन पाकीज़ा चीजों से खाओ जो हमने तुम्हें अता किया है, अल्लाह के नजदीक उससे ज्यादा पाकीज़ा तर है, मुश्क अंबर से ज्यादा पाकीज़ा तर है। अल्लाह हू अकबर। अब इसमें शारिहीन हदीस ने फरमाया कि दुनिया ही में अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुंह को मकाम अता फरमाता है कि दुनिया वाले नापसंद करें, लेकिन अल्लाह के लिए बंदा भूखा प्यासा, अल्लाह के लिए भूखा प्यासा रहा, अल्लाह के लिए करने का मामला ये होता, अल्लाह के लिए भूखा प्यासा रहा, अल्लाह के लिए रोजा रखा, अल्लाह ताला उसको दुनिया ही में वो एहसास अता फरमाता है कि अल्लाह ताला के नजदीक वो भूख पर से ज्यादा पाकीज़ा तर होती है। अब और भी बातें बयान की गई कि कल बरोज कियामत अल्लाह तबारक व तआला जो दुनिया में भूख पैदा होगी, रोजे की बिना पर भूखा प्यासा रहने की वजह से, जो खुलों में मैदा मैदा खाली होने की बिना पर मुंह में बदबू पैदा हुई थी, लेकिन रब तबारक व तआला कल कियामत के दिन वो एहसास अता फरमाएगा कि रोजेदारों के मुंह से मुश्क अंबर से ज्यादा बेहतर खुशबू मिलके लिए हश्र के बैठा महसूस हो जाएगा। जब वो गुजरेगा दुनिया में परफ्यूम लगाते हैं इंसान अपने हिसाब और हैसियत के मुताबिक मार के निकलता है, अदर लगाते हैं जी, जो इंतहाई खालिस और इंतहाई महंगे से महंगा अदर आकर भी 10-10 हज़ार रुपए तोले वाले भी होते, उससे ज्यादा तोले वाले भी होते, बस वो इतना क्यों लगाकर लेकर अगर लगा लिया जाए तो फिर पूरे महफिल महक जाती है। ये इंसान लगाता है, महसूस हो जाता है कि भाई ये गुजर रहा है, कोई मखसूस लगाने वाला जो होता है वो जब लगाकर गुजरता है तो जिस महफिल में आ जाता है महसूस उस अलामत बन जाती है कि खुशबू आ गई तो शायद गुलाम का बात है खुशबू की बिना पर। तो कल हश्र के मैदान में कियामत के दिन रोजेदार गुजरेंगे तो रोजेदार के मुंह से ऐसी मुश्क अंबर से ज्यादा बेहतर खुशबू महके, उनके मुंह से ऐसी खुशबू महकेगी कि हश्र के मैदान में लोग जान जाएंगे कि दुनिया का रोजेदार दुनिया में रोजे रखा करता अल्लाह की रिज़ा जोई के लिए। हज़रत गिरामी, रमजान मुबारक का आखिरी जुमा है, ये सारे एजाज इकराम से अब रोजा रमजान का रोजा रमजान का ही रोजा है, लेकिन रमजान के बाद ये ऐसी इबादत है कि अल्लाह ताला ने बंदे को अगर इस इबादत का चस्का लग जाए, उस इबादत की लज्जत से बंदा अगर आशना हो जाए, उस इबादत रोजे जैसी इबादत की बिना पर अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब और अल्लाह की महबूबियत का अगर अल्लाह का बंदा लगा ले तो फिर बंदे का दिल तो बेचैन बेताब हो के रमजान के बाद भी रोजा रखो तो मना नहीं है, रुकावट नहीं, 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 नहीं रमजान आने पर ही रखना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि आपके लिए तो साल तमाम भी दीगर नवाफिल रोजों के लिए आपकी सारी गुंजाइश है, फजीलत वाले रोजे भी आते हैं रमजान के गुजरने के बाद में। मन अदा बिसिद्दीन, छह रोजे रमजान के बाद जो रख ले रमजान गुजरने के बाद ईद उल फितर, उस दिन रोजा रखना ममनू और हराम है, उस दिन को छोड़कर बकिया छह दिन मुसलसल या गैर मुसलसल कंटिन्यूस, ये मुस्तकिल तौर पर कंटिन्यूस रख ले या फिर अलहदा अलहदा तौर पर रमजान के बाद छह रोजों को का जो एहतमाम कर ले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गोया उस बंदे ने साल तमाम के रोजे इख्तियार किए हैं। सित्ते शव्वाल जो कहते हैं, सित्ता अरबी जुबान में छह को बोलते हैं सित्ता, तो छह रोजों का एहतमाम रमजान के बाद में कर ले, ये नफल रोजे हैं, सुन्नत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसका एहतमाम कर ले तो वह साल तमाम के रोजों का सवाब मिल जाता है। फिर इसके अलावा भी और दीगर ऐसे के अलावा भी बंदा और मजीद रहना चाहे तो फिर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के हवाले से हर पीर को
ہر دوشنبہ اور ہر پیر کو حضور روزہ رکھتے تھے. پوچھے صحابہ اکرام کیا تھا یا رسول اللہ, ہر پیر کو اور ہر دوشنبے اور پیر کو آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیونکہ وہ یوم میلاد النبی ہے, میری میلاد کا دن ہے. فإنی ولدت فیہ, کیونکہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں. حضور پیر کے دن کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے, سنت ہے پیر کے دن کا روزہ, جمعرات کے دن کا روزہ, اور اسی طرح ایام پیر, ایام پیر 13, 14 اور 15 چاند کی تاریخیں جو ہوتی ہیں, یہ بھی روزے مسنون روزوں میں آتے ہیں. خیر کہ روزے کی فضیلت تو وہی فضیلت ہے, بندہ سال تمام بھی اس کا اہتمام کر سکتا ہے, لیکن ایسے بھی ہوں, ایسے بھی ہوں گے محروم لوگ کہ رمضان کے جیسے فرض روزے بھی وہ بھی ان سے چھوٹ جاتے ہیں, غفلت کی بنا پر, کوتاہی کی بنا پر, سستی کی بنا پر, کاہلی کی بنا پر, ایمان کی کمزوری کی بنا پر ان سے روزے چھوٹ جاتے ہیں. لیکن یاد رکھنا, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب رمضان کا روزہ جس نے چھوڑ دیا تو پھر اگر اس کی کفارے کے طور پر یا اس کے برابر ادا کرنے کے لیے اگر وہ زندگی بھر بھی روزہ رکھتا رہے تو رمضان کے ایک روزے کی برابری نہیں کر سکتا. مسئلے کے اعتبار سے روزہ سرے سے رکھا ہی نہیں تو فضا کے طور پر ایک روزہ رکھ لیا, روزہ چھوٹ گیا تھا, ایک روزہ رکھ لیا تو یوں فضا ہو جاتی ہے, فرض اتر جاتا ہے, جو ذمہ فرض رہتا ہے وہ فرض اتر جاتا ہے. لیکن رمضان کے روزے کی جو عظمتیں, جو برکتیں اس کو حاصل ہوتی تھی, زندگی تمام بھی روزہ رکھتا رہے رمضان کے ایک روزے کی برکت حاصل نہیں کر سکتا. یہ جائے کہ رمضان کے 10, 10, 15, 15 روزے چھوٹ جائے. آج مرد حضرات بھی, خواتین بھی دے, مرد بھی بڑے بے شرمی اور بے حیائی سے کھاتے پھرتے ہیں مٹائی کے ساتھ, پہ رمضان آیا تو سمجھتے ہیں بھائی پہننے کے لیے تو آپ کے لیے زندگی پڑی ہے, چاہے سارا سال پڑا ہے کہ پہنا جا سکتا ہے, اوڑا جا سکتا ہے, خریدا جا سکتا ہے. محض خریدنے کی غرض سے, محض شاپنگ کرنا اس مقصد سے روزوں کو چھوڑ دینا کتنی قابل مذمت بات, کتنی قابل مذمت بات. رمضان کا ایک روزہ چھوڑ, اب جان بوجھ کر چھوڑ دینا گناہ کبیرہ, سخت ترین گناہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت ترین ناراضگی کا سبب بنتا. عید منانے میں یہ ان کے لیے عید کون سی؟ عید ان کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کر کر اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیے, اپنی مغفرت پا لیے, اللہ کی بارگاہ سے اپنی مغفرت کا سامان کر لیے, ان کے لیے عید ہے. عید ہے یہ خوشی کا موقع ان کے لیے ہوتا, اس کے لیے عید کیا جس نے اللہ کو ناراض کیا, رمضان کی حرمت کو پامال کیا, نہ روزوں کا اہتمام, نہ تراویح کے قیام کا اہتمام, اور چلے عید منانے کے لیے بڑے بڑے نادان ہیں. ان کے لیے عید کیسی؟ ان کے لیے تو یہ وعید ہوتی ہے, وعید ہوتی ہے, وعید ہوتی ہے. عید تو ان کے لیے ہے جنہوں نے رمضان کا اہتمام کیا, روزوں کا اہتمام کیا, راتوں کے قیام کا اہتمام کیا اور اپنے مولا کو راضی کر لیا, ان کے لیے عید کا دن ہوتا ہے. حضرات گرامی, ورنہ پھر وہ وعید یاد رکھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت سیدنا جبریل امین سید الملائکہ ہیں, میرے آقا سیدنا محمد رسول اللہ سید المرسلین ہے, ان کی بددعائیں اس شخص کے لیے جس نے رمضان کو پا کر بھی اپنے آپ کو نہ بخشوا سکا. حضرت جبریل امین نے بددعا کی, بعید من ادرک رمضان فلم یغفر لہ, ہلاک و برباد ہو جائے وہ جس نے رمضان کو پایا تو ہو, رمضان کو تو پایا ہو لیکن اپنی مغفرت نہ کروا سکا. حضور سید المرسلین سید المعصومین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرما دیا, اس تجھے پروردگار اس دعا کو قبول فرما لے, ہاں مولا ایسا ہی ہو جائے جس نے رمضان کو تو پایا ہو اور اپنی مغفرت نہ کروا سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. رمضان مبارک کی جو کچھ کوتاہیاں, بلکہ بہت کچھ کوتاہیاں ہم سے ہوئی,
रमजान का यहाँ तक के सारा महीना गुजर गया, फतिया जो कुछ वक्त रमजान के मुतबरिक साथे रह गई है। ऐ करीम ऐ परवरदिगार, तो अपने शान लुत्फ व करम से मौला हमारे साथ अब वो दरगुजर का मामला फरमा दे। मौला कदीर परवरदिगार हम तमाम को अपने उन खुशनसीब बंदों में शामिल फरमा दे मौला, जिनके रोज़ों को तूने कबूल कर लिया, जिनके क़याम को कबूल कर लिया, कुरान पढ़ने और सुनने को कबूल कर लिया, जिनके तौबा इस्तिग़फ़ार को तूने कबूल कर लिया है मौला, उन बंदों में उन खुशनसीब बंदों में हमको भी शामिल मौला रब्बे क़दीर, उन बंदों में हम तमाम को शामिल फरमा दे मौला। मौला हम जिनके लिए रमजान का पहला अशरा रहमत का वाइद बन गया, दूसरा अशरा दूसरा दहा मग़फ़िरत का बख्शीश का वाइद बन गया, और तीसरा दहा और तीसरा दहा तीसरा अशरा मौला उनके लिए जहन्नम से आज़ादी का सबब बन गया, और खुश नसीब बंदों में हमें भी शामिल फरमा दे, हमारी गर्दनों को भी जहन्नम से आज़ादी अता फरमा दे। रमजान के बकिया दिन और रात की मौला में कदर करने के तौफीक अता फरमा मौला। मौला रब्बे क़दीर हमारी कोताहियों से दरगुज़र फरमा दे, अपने हबीब पाक के सदक़े में हमें अपने मक़बूल बंदों में शामिल फरमा दे मौला, ताकि ईद का दिन हमारे लिए हकीकी ईद का दिन बन जाए, रमजान के गुजरने के बाद भी मौला हमें खैर की नेकियों की तौफीक अता फरमा। जिस तरह से आज मस्जिदें आबाद में मौला मुसलमानों को मौला रमजान की गुजरने के बाद भी पंच वक्त नमाजों के लिए मस्जिदों को आबाद करने वाला बना दे, मस्जिदों को आबाद रखने की तौफीक अता फरमा दे मौला। मौला रब्बे क़दीर हम तमाम पर अपना लुत्फ़ व करम फरमा दे, इस्लाम और मुसलमानों पर अपना खास लुत्फ़ व करम फरमा, सरबलंदी व सरखुरी अता फरमा, हिफ्ज़ व अमान अता फरमा दे मौला। आमीन बिजाही सैयदिल मुरसलीन وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.